हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दाइजेड एकेडमी से मैं मोहम्मद आफताब आलम और हमेशा की तरह आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक शानदार, जानदार और आपके काम की वीडियो। और ये वीडियो है 12वीं क्लास के बच्चों के लिए जिन्होंने एग्जाम देना है अप्रैल सन 2020 के अंदर या फिर अक्टूबर सन 2020 के अंदर। इन दोनों ही टर्म के बच्चों के लिए मैंने ये वीडियो खासम खास बनाई है। अगर आप लोगों ने 12वीं क्लास का एग्जाम देना देना है और आपने सब्जेक्ट ले रखा है साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान, जिसका पेपर कोड है 328, और इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर आप क्वेश्चन चाहते थे और इस पेपर को लेकर आप टेंशन में थे कि आप किस तरीके से इस पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हो, तो प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, मैंने आप लोगों की इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दिया है। वो कैसे कि मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देने वाला हूँ जो 2020 के अंदर 100% आएंगे। और आप यकीन कीजिए, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन पेपर तैयार करने की जरूरत नहीं है या किसी के बताए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को याद करने की या देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर इतना ही पढ़ लेते हैं तो आप लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो चलिए, बिना किसी समय की देरी के मैं आप लोगों को आपके काम की चीज दे देता हूं। ये रहा पहला क्वेश्चन, और मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर ये भी बताऊंगा कि आप लोगों को इसके आंसर कैसे और कहाँ मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, किशोरों में गलत वस्तुओं के सेवन के दुष्प्रभाव के विषय में जागरूकता लाने के किसी एक तरीके का सुझाव दीजिए। अगला क्वेश्चन है, बंदूरा के अनुसार आत्म सामर्थ्य विश्वास के चार मुख्य प्रभावों का उल्लेख कीजिए और किशोरावस्था के दौरान पहचान क्यों महत्वपूर्ण है। ये सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं और एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ना हो। तो आप प्लीज एक भी क्वेश्चन का आंसर ऐसा ना हो कि आप उसे याद ना करें, अच्छे से उसे पढ़कर जाइएगा, जिससे कि आप लोगों के एग्जाम के जो है तैयारी वो अच्छे से हो जाए और आप बहुत अच्छे नंबरों से पास भी हो जाएं। और उम्मीद करता हूं आप लोगों ने अपना अपना टीएमए और प्रैक्टिकल बना लिया होगा और अपने स्टडी सेंटर पर जमा भी कर दिया होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने अपना टीएमए नहीं बनाया है तो प्लीज उसे बनाकर अपने स्टडी सेंटर पर जमा करवा दें। किशोरावस्था से क्या समझते हैं? किशोरावस्था के दौरान विकासात्मक कार्यों की सूची बनाइए। द्रव्य अनाचार किशोर से पीड़ित व्यक्ति की सहायता के लिए किन्हीं चार उपयोगी बातों का सुझाव दीजिए और खेल केंद्र शिक्षक का समुदाय के प्रति किन्हीं दो उत्तरदायित्वों की चर्चा कीजिए। सतत शिक्षा के महत्व की व्याख्या कीजिए। सामान्य शिक्षा का क्या उद्देश्य है, व्याख्या कीजिए। मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि बहुत सारे बच्चे पिछले साल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सैंपल पेपर्स वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें पढ़ना शुरू कर देते हैं जिससे कि उनके अच्छे नंबर आए। तो आप लोगों को मैं बताऊं कि आप लोगों को ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आप लोगों को सिर्फ इस वीडियो में दिए गए क्वेश्चनों को उतारना है और इसके आंसर आप लोगों को टॉप 20 गाइड के अंदर मिल जाएंगे और आप उसको अच्छे से याद कीजिए, उसकी बार बार लिखकर प्रैक्टिस कीजिए और आप देखेंगे कि आप लोगों के एग्जाम के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे। क्योंकि बहुत ज्यादा बेकार का पढ़ने से अच्छा है थोड़ा सा पढ़िए, लेकिन उसको क्वालिटी वाला आपको जो है स्टडी मटेरियल मिलना चाहिए। तो इस क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को जो है आपको बैलेंस में लेकर चलना है। वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले किन्हीं 6 कारकों की व्याख्या कीजिए। और एक बात और मैं आपको बताऊं कि अगर आप लोगों को इस वीडियो में दिए गए क्वेश्चनों को उतारने में किसी भी तरह की असुविधा हो रही हो, प्रॉब्लम हो रही हो, तो आप इसका फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ भी मुझसे ले सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल फ्री पीडीएफ आप इसका ले सकते हैं, जिससे कि आप लोग जो है इसका प्रिंटआउट निकलवा कर अच्छे से इसकी तैयारी कर सकें। वो कैसे होगा मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इन सभी क्वेश्चनों का आप अच्छे से उतार लीजिए और इनके आंसर आप लोगों को मैंने बताया टॉप 20 गाइड के अंदर से मिल जाएंगे। हमारे चैनल पर आप लोगों को इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर दिया जाता है, जैसे आपके टीएमए है, प्रैक्टिकल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पिछले साल के क्वेश्चंस हैं, वो सारी चीजें आप लोगों को दी जाती है। छोटी से बड़ी जानकारी
जिससे कि आप लोगों को जो है कोई भी दिक्कत ना हो और आप जो है अपना 10वीं और 12वीं का एग्जाम अच्छे से देकर अच्छे नंबरों से पास हो जाएं और आपको कोई भी दिक्कत ना हो। हमारी पूरी टीम की कोशिश यही होती है कि हर बच्चे की जो है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया जाए, इसलिए हम ऑनलाइन आते हैं और आप लोगों की जो है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हैं। ज़्यादातर मैं ऑनलाइन आकर आप लोगों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने की कोशिश करता हूँ, वीडियो के माध्यम से भी, और बच्चे बहुत सारे बच्चे जो है मुझे कॉल मैसेज भी करते हैं जिससे कि जो है मैं उनकी जो है मदद कर सकूँ। लेकिन हजारों लाखों कॉल आने की वजह से मैं कई बच्चों की जो है कॉल अटेंड नहीं कर पाता या फिर उनके मैसेज का जवाब नहीं दे पाता, तो ऐसे बच्चों को मैं सॉरी बोलना चाहूँगा। तो प्लीज़ जो है अपने अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछना हुआ करे तो आप जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मैं आपका क्वेश्चन का जवाब जरूर दूंगा। और इसके मैं पीडीएफ की अब बात करता हूं, आपको बस करना यह है कि इस वीडियो को पहले लाइक करना है। वीडियो को लाइक करने के बाद आप लोगों को करना यह है कि इसका इस फ्रंट वाले पेज का आपको जो है इसका स्क्रीनशॉट लेना है और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने जो व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर आपको सेंड कर देना है। याद रखिए, पहले आपको वीडियो को लाइक करना है, फिर स्क्रीनशॉट लेना है, और उसके बाद जैसे आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो मैं 10 से 20 मिनट के अंदर अंदर मैं आप लोगों को, अगर मैं फ्री रहा तो मैं आप लोगों को भेज दूंगा। तो ये पीडीएफ आप लोगों को बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं मैं इसी तरीके से किसी दूसरे सब्जेक्ट पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बनाऊं तो आप प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। भगवान करे आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छे से जाए, मैं ऐसी दुआ भी करूँगा अल्लाह से। तो आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। इसी तरह की भी मैं वीडियो अच्छी अच्छी बनाता ही रहूँगा। शुक्रिया दोस्तों।